तो जय हिंद सारे प्यारे भाइयों को, सबको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस साल में हमें कुछ ऐसा करके दिखाना है कि दूसरों को लगे कि बंदे के अंदर टैलेंट था, आज बंदा फौज की वर्दी में आया है, ठीक है ना। तो हमको बहुत कुछ करना है इस साल। 2023 तो हमारे लिए बहुत बेकार ही गया, लेकिन 2024 हमको बेकार नहीं जाने देना है, ठीक है ना। तो भर्ती आ गई है बीएसएफ की ऑल इंडिया के लिए, ठीक है ना। इसमें एज का भी बहुत छूट है, इसमें हाइट का भी बहुत छूट है, इसमें पहले दौड़ होगा। तो सारी चीजें मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलना, ताकि ये चैनल आपको एक दिन वर्दी पहना के मानेगा, ठीक है ना। चैनल आपको एक दिन बहुत आगे ले जा सकता है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना मत भूलना। जो भी अपडेट आता रहता है मैं आप लोगों को उससे पहले, दूसरे यूट्यूबरों से पहले बता देता हूं, ताकि हमारे भाई बहुत जल्दी फौज में भर्ती हो जाए और वर्दी पहन के अपने घर आ जाए। कि चढ़ेगी वर्दी, लगेंगे सितारे, दुनिया देखेगी हमारे नजारे। तू मेहनत कर, तू कोशिश कर और सोच कि कर पाएगा। तू मेहनत कर, तू कोशिश कर और सोच कि कर पाएगा। और सोचो पगले मंजर कैसा होगा जब तू इंडियन आर्मी की वर्दी पहन के अपने घर आएगा। तो बीएसएफ की जो वैकेंसी आई है उसमें क्या क्या चेंजेस किया गया है, बहुत बड़ा अपडेट भी किया गया है उसमें। पहले जो बीएसएफ में होता था, बात करते हैं भर्ती के बारे में ज्यादा समय ना लेते हुए, पहले जो बीएसएफ की वैकेंसी होती थी उस वैकेंसी में पहले रिटर्न होता था, लेकिन इसमें जो बीएसएफ ट्रेडमैन की वैकेंसी है इसमें रिटर्न नहीं कराया गया। पहले इसमें पहले 5 किलोमीटर दौड़ मांगा गया है और लड़कियों के लिए 1600 मीटर दौड़ मांगा गया है, ठीक है ना। इसमें मेल फीमेल दोनों है, वैकेंसी बहुत ही अच्छी है, पोस्ट भी बहुत ज्यादा है इसमें। आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे क्लिप लगा दे रहा हूं एक साइड में, आप देख सकते हैं पोस्ट भी बहुत अच्छे हैं, वैकेंसी भी बहुत अच्छी है। इसमें जो पोस्ट है ट्रेडमैन में, पोस्ट जैसे वाटर कैरियर का हुआ, स्टोर कीपर का हुआ, ऐसे बहुत सारे पोस्ट हैं। तो इसके लिए आप लोगों को क्या चाहिए होगा, ठीक है ना। इसके लिए आपका 10+2 नहीं लगेगा, सिर्फ 10 हाई स्कूल पास हो तो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं आप। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, ठीक है ना। हाई स्कूल फॉर्म पास हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म। और इसमें जो एज बताया गया है, एज क्या है, जो एसटीएससी वाले उनको छूट दिया गया है वो 18 से 30 साल तक भर सकते हैं, और जो ओबीसी वाले हैं वो 18 से 25 साल कर सकते हैं, सॉरी 26 साल कर सकते हैं, और जो जर्नल में आते हैं वो 18 से 25 साल भर सकते हैं, ठीक है ना। तो एज का भी बहुत बढ़िया छूट दिया गया है। और हाइट में क्या चेंजेस आया है, पहले 167 मांगते थे, लेकिन अब क्या हुआ है बॉयसों के लिए 165 सेंटीमीटर चाहिए होगा। हाइट में भी बहुत अच्छा खासा छूट दिया है बीएसएफ ट्रेडमैन ने, ठीक है ना। और सबसे अच्छी बात है कि पहले रनिंग होगी तो इसमें और कोई अन्य नहीं बैठ सकता है। जैसे पेपरों में क्या होता है कि आईएसपीसीएस वाले, ठीक है ना, एग्जाम में बैठ जाते हैं छोटे छोटे एग्जामों में। आया गया है कि मतलब बहुत ज्यादा बीएसएफ में छूट दिया गया है, हाइट में भी छूट दिया गया आप लोगों को, तो उसमें जो मतलब पेपर में बैठ जाते थे। तो अब क्या किया गया, पहले रनिंग होगी, तो रनिंग में कोई जैसे जो चश्मे वाले होते हैं वो रनिंग नहीं निकाल सकते, तो रनिंग में जा नहीं सकते हैं। तो वही जो होते हैं जो मेहनत करते हैं, जो सुबह शाम पगडंडियों पे दौड़ते हैं, वही रनिंग निकालेंगे। 5 किलोमीटर में आपका 24 मिनट टाइम दिया गया है, बहुत आसान तरीके से आप रनिंग मार सकते हैं। और जो लड़कियों का है वो 1600 मीटर दिया गया है, 1600 मीटर में उनको 9 मिनट टाइमिंग दिया गया है। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। उसमें आप लोगों को करना क्या है, बातों को, चीजों को ध्यान से समझना है। उसमें आप लोगों को जो वाटर कैरियर वाले हैं, ठीक है ना, जो ट्रेड मैन में स्टोर कीपर वाले हैं, तो उनका एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेगा। तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो वाटर कैरियर वाले हैं, ट्रेडमैन वाले, उनका कहां से बनेगा ये भी मैं बता दूं। आपके बगल में कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट है, ठीक है ना, जिसका मतलब बिल बैच जो होता है वो सरकारी से रिलेटेड हो, ठीक है ना, वहां से आप लोग वाटर कैरियर का सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, ठीक है ना। इसमें बस यही मांगा गया है, हाई स्कूल पास हो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं वैकेंसी आएगी कब, ठीक है ना, कौन से डेट पे आएगी, कौन महीने में आएगी। तो बात करते हैं, चलिए, इसमें जो शॉर्ट नोटिफिकेशन दिया गया है, शॉर्ट नोटिफिकेशन में डेट नहीं बताया, क्लियर किया जाता है। इसका बहुत ही जल्द अपडेट आने वाला है, ठीक है ना, फुल नोटिफिकेशन जो आएगा उसमें डेट क्लियर किया जाएगा, ठीक है ना। तो उसमें मैं आप लोगों को बता दूंगा कौन से डेट पे भर्ती होगी। तो भर्ती बहुत ही अच्छी है, बहुत ही सुनहरा चांस है आप लोगों के लिए। जो खासकर टेरिटोरियल इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे थे उनके लिए भी बहुत अच्छा चांस है, ठीक है ना, वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।